अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र भदोही, जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल वो कालीन नगरी के रूप में जानी जाती रही है। महोदय, हजारों करोड़ रुपए का निर्यात होता रहा है, उद्योग शून्य जनपद है, महोदय कोई उद्योग नहीं, पिछड़ा हुआ इलाका ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन उसे कुटीर उद्योग के रूप में कालीन गांव-गांव में बना करके विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा और निर्यात भी करता रहा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस नगर में उपरिगामी सेतु बनाने के लिए कई बार माननीय मंत्री जी से भी लिख करके मिल करके आग्रह किया और बजट सत्र में भी इस बात को उठाया गया। कई बार इस बात को रखने के बाद भी उस पर वो तत्कालिक जो निर्णय होना चाहिए, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सभापति महोदय कि इस विषय पर राज्य सरकार की भी सहमति मिल चुकी है। केंद्र सरकार जहाँ विदेशी बाहर आते हैं और घंटों जाम में फंसे रहने की वजह से वापस चले जाते हैं, फिर कोई भदोही आना नहीं चाहता। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, घंटों जाम में फंसे रहते हैं, सुबह विद्यार्थी स्कूल निकलते हैं समय से नहीं पहुँच पाते। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ उसे आर्थिक जोन घोषित किया गया है, जहाँ उद्योग कालीन उद्योग ही वहाँ है, दूसरा कोई उद्योग नहीं है, यह उपरिगामी सेत कालीन उद्योग के लिए, व्यापारियों के लिए, कृषकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्षेत्रीय नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, जहाँ एक तरफ दोहरीकरण की डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी, अभी सिंगल ट्रैक था, उसको सदन ने माननीय मंत्री जी ने इस बार स्वीकार किया है, उस पर सर्वे शुरू भी हुआ है, मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन जब तक अगर ओवरब्रिज उपरगामी सेतु नहीं बनता तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भदोही जनपद में जहाँ केवल कालीन उद्योग ही है, वहाँ उपरगामी सेतु बनाने के लिए तत्काल। नाउ यू आर रिपीटिंग, प्लीज, यू मेड योर पॉइंट।